गोविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात यहाँ पर कही, जिस तरह से कही, उस पर आपत्ति यहाँ पर जताई जा रही है कि पाकिस्तान से तुलना नहीं करनी चाहिए थी। क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान से तुलना नहीं करनी चाहिए थी यहाँ पर? बिल्कुल हिमांशु, जो नोटबंदी का सवाल है वो देश के अंदर उठा हुआ सवाल है, देश के अंदर की समस्या है, और विपक्ष को पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो इस फैसले पर लगातार सवाल उठाए, जब जैसी परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से सवाल उठाए। ये अलग बात है कि विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी उस गंभीरता से नहीं पूरी कर पा रहा है जिस गंभीरता की इस बड़े मुद्दे पर जरूरत थी। विपक्ष भी बहुत छिछले आरोपों और मुद्दे को राजनीतिक तौर पर भटकाने की कोशिश कर रहा है, बहुत एक तरह से बहस का मुख दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है, और प्रधानमंत्री के जो जवाब हैं वो भी निश्चित तौर पर जो मुद्दे से देश की जनता को परेशानी है, जो समस्या का वास्तविक स्वरूप है, जो वो बदलाव में करना चाहते हैं उसको लक्षित करने के बजाय अपने विपक्षियों का उपहास करना और उन पर बहुत एक तरह से असंगत टिप्पणियां करना, मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री आज निश्चित तौर पर संयत स्वरों में बोले, बहुत आज उस तरह की आक्रामकता या नाटकीयता उतनी नहीं थी, लेकिन जो अपेक्षा उनसे थी वो मुझे नहीं लगता कि उस अपेक्षा पर वो खरे उतरे। और ज्यादा खतरनाक बात इस पूरे मामले में ये है कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री का तरीका नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा को, इस तरीके को बहुत निचले स्तर तक ले आई है। इसीलिए जब हमारे यहाँ अभी चर्चा के दौरान पार्सा ने एक बात कही तो तुरंत रामसागर जी को उस पर आपत्ति उनकी आई और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के साथ तुलना करने की बात जो है वो बिल्कुल ठीक। ये बड़ा एक संकट का सवाल है, आतंकवादी के, क्योंकि आप अगर एक गलत बात अगर किसी पार्टी के अंदर भी एक जगह उठती है तो अगर नीचे के सारे लोग उसको उसी रूप में उसका समर्थन करते हैं तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के मूल स्वरूप के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नीचे के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की अगर इतनी अंधभक्ति होगी तो वो अपने बड़े नेताओं पर अंकुश नहीं लगा सकेंगे, और लोकतंत्र की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक किस्म की बात नहीं है।